से जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पात्र को हटाएगा वह भी भार्यहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। महाज्ञानी, पुरुष शालग्राम शिला तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महत्व का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। उधर भगवान शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति श्री विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी का प्रकाट्य हो गया और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। मुने, उसमें कीड़े अनेक प्रकार से छिद्र बनाते रहे। उससे जो शिलाएं गंड के जल में गिरती हैं वे परम पुण्य प्रद होती हैं। जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने भगवान शंकर का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान करने वाला, मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य व्याख्यान जो श्री विष्णु के महत्व से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है, उसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते? अध्याय 40। उमा द्वारा भगवान शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में भगवान शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरणाक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और भगवान शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरणाक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी श्री विष्णु द्वारा उसका वध। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को स्वीकार किया, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को सुनो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले भगवान शंकर के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव से, उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंभु शरणागत तारक्ष तथा परम भक्त वत्सल हैं। उनका महत्व परम अद्भुत है। श्री व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनीश्वर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल से उत्पन्न हुआ? दैत्यों ने प्रधान तथा महान मनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसे परम तेजस्वी शंभु की अध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया था तब वह परम धन्यवाद का पात्र है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे माँ पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहाँ उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर माँ पार्वती के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उनके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीरागण्य गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगी। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी भगवान शंकर मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिर जाने नम्र क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब माँ पार्वती ने मूंगे सुवर्ण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंद जाने के कारण वहाँ क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया।
माँ पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण किया। उसमें एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर क्रोधी कृतघ्न्य अंधा कुरूप जटाधारी काले रंग का मनुष्य से भिन्न बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता कभी हंसता कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। वह अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती से बोले, महेश्वर ने कहा, प्रिय मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भव क्यों कर रही हो। शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहाँ प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का भयंकर रूप ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, माँ गौरी ने कहा, भगवान मुझे सच सच बताइए, हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यो प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के इस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके सुनो, जब तुमने मेरे दोनों नेत्र मूंद लिए उस समय यह अद्भुत एवं प्रचंड प्राकर्मी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है, तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्ये इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर माँ गौरी का हृदय करुणाद्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक को अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या करने के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदर हिरणाक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि द्वेषों को छोड़कर अपने काबू में करके ठूंस की भांति निश्चल हो समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पीनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले। उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरणाक्ष से बोले, महेश ने कहा, दैत्यनाथ अब तुम अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर, मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह मैं सब तुझे प्रदान करूँगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस सारस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरणाक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने ग्रीष के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्मृति की, फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरणाक्ष ने कहा, चंद्रभाल मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, दैत्याधिप तेरे भाग्य में तेरे बीज से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक ऐसा पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजेय है। पुत्र रूप से वर्ण कर ले
और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। श्री सनत।